एक तरफ 3 दिन तक चली बरसात का कहर, दूसरा बनबसा बैराज से छोड़े गए पानी का असर क्षेत्रवासियों के लिए अभिशाप बन गया। जनपद लखीमपुर सीमा से जुड़े लहरपुर तहसील का एक भारी भूभाग पूरी तरह जलमग्न हो चुका है। पिछले 92 साल पुरानी बाढ़ जैसी स्थिति पैदा कर चुका है। क्षेत्र के कई दर्जन गांव बाढ़ की पूरी तरीके से चपेट में आ चुके हैं। बीते बृहस्पतिवार की रात पर जलस्तर काफी बढ़ने के साथ साथ गांव को चपेट में लेता जा रहा था। क्षेत्र के प्रमुख ग्राम बतफर, पिपरिया, तेजवापुर, नवापुर, मरसला, अमरनगर, रतौली, ढोलना आदि तहसील क्षेत्रों के दर्जनों गाँव आमजन से संपर्क से कट चुके हैं। हर गांव भाजपा विधायक सुरेश राही गांव से पलायन करने के बाद लखीमपुर बहराइच राष्ट्रीय राजमार्ग पर खुले तरीके से गुजर बसर करने वाले लोगों को भोजन पैकेट बांटते नजर आ रहे हैं। उपजिलाधिकारी पंकज कुमार राठौर और पुलिस क्षेत्र अधिकारी राजू कुमार भारी प्रशासनिक दल बल के साथ क्षेत्रवासियों को राहत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जुटे हुए हैं। वो भी पूरी तरीके से बहाव में क्षतिग्रस्त हो चुकी है। यहाँ के स्थानीय पुलिस वाले सड़क पर हैं, आम जनमानस की तरीके से उसके लिए साथ साथ इस क्षेत्र के सुरक्षा व्यवस्था के लिए आपकी क्या व्यवस्था है? देखिए, आप सभी देख रहे हैं जो बाढ़ की स्थिति है, वाकई बहुत ज़्यादा भयावह है, परंतु इसके लिए प्रशासन ने पूरे तरीके से प्रबंध कर रखा है और पिछले 72 घंटे से लगातार हम लोग यहाँ भ्रमणशील है, पुलिस के लोग भी हैं और बाढ़ के पानी के द्वारा हमारे चौकी को भी नुकसान पहुंचा है और ये जो हाईवे है जो लखीमपुर से बहराइच जा रहा है भी प्रभावित हुआ है। बहरहाल हम लोग हर जगह घूम घूम कर मुआयना कर रहे हैं, जहां भी पुलिस की और प्रशासन की आवश्यकता है हम लोगों से निवेदन भी कर रहे हैं, उनसे बात भी कर रहे हैं और सभी तरीके का प्रयास करके उनको हर संभव सुरक्षित स्थान पर हम लोग पहुँचा कर उनका पूरा प्रबंध करा रहे हैं। खाने से लेकर उनका दवा इलाज हम लोगों ने शुरू भी करा दिया है, कई लोगों को रेस्क्यू भी कराया है। आप देख सकते हैं NDRF की टीम, PSC की टीम और SDRF की टीम, तीनों टीमें लगातार गांव में अपने अपने बोट और स्टीमर के द्वारा भ्रमणशील होकर लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं और आगे हम लोग ये प्रयास जारी रखेंगे। सर ये कुछ ग्रामवासी जो हैं भतफर के और क्षेत्र के, उनका कहना है कि कई गांवों का बिल्कुल संपर्क टूट चुका है, वहां से कई लोग गायब भी हैं, उनको तलाशा जा रहा है। क्या प्रशासन उनकी सूचना आप तक है कि कौन कौन से किस गाँव से गायब हैं लोग? देखिए, कई गांव की सूचनाएं हम लोग तक पहुंची थी। कल रतौली डी का सूचना हमारे पास आया था कि वहां के लोग भयभीत परेशान हैं और कई घरों में पड़े हैं या फंसे हैं। हम लोगों ने तत्काल बोट से स्वयं हम लोगों ने लाइफ जैकेट पहन के उस गांव का भ्रमण किया। वहां भी बाढ़ की पानी बहुत भयावह स्थिति में थी। हम लोगों ने लोगों से बात करके और व्यक्तिगत रूप से हम लोगों ने 4 बोटों को इंतजाम करके लोगों को रेस्क्यू करके जो सुरक्षित स्थान वहाँ पहुँचाया। अब आज भी कार्रवाई चल रहा है और आज भी हम लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं। बहरहाल जो भी सूचनाएं मिल रही है हम लोग अटेंड कर रहे हैं और अभी तक आधिकारिक तौर पे कहीं हम लोगों ने पाया नहीं है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, हम लोग लगातार सतर्क दृष्टि रखे हैं, हमारी टीमें लगी हुई हैं, जहाँ भी इस तरीके की सूचना मिल रहा है हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि लोग सुरक्षित अपने स्थान तक पहुँचे और कहीं कोई हादसा ना हो। SDM साहब, क्या नाम आपका? कल्लू वाजपेयी। अच्छा, ये जो बाढ़ आ चुकी है तो कुछ राहत कार्य यहाँ शुरू हुआ है? राहत कार्य नहीं, ना 2 रुपए कुछ मिला है, तो नुकसान ही नुकसान है। दूसरा चीज, किसी को विधायक तो आया तो उतनी ना किसी लंच पैकेट ना कुछ नहीं, लंच के पैकेट तो शायद बांटे जा रहा आगे है। कहीं नहीं बांटे, मैं किसको दिए भाई बताओ, यहाँ उतरे भी गाड़ी उतरे भी नहीं, पब्लिक की कोई बात ही नहीं समझे। तो SDM वगैरह मौके पहुँचे हैं? मौके पहुँचे हैं, घर दिखाते हैं कि आए हैं, दिखाते हैं, वो अपने खुद बहाना क्या है, क्या करेंगे। सीतापुर से संवाददाता मदन यादव की खास रिपोर्ट।